मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र के बगयाड़ में 2000 रुपए के 50 नोट यानी लगभग 1,00,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट का ये मामला ग्रामीण बैंक में पैसा जमा करवाते वक्त सामने आया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की शुरुआत भी हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाल सिंह पुत्र धनीराम गांव भड़ डाकघर शिकाबर जिला मंडी का रहने वाला है और ग्रामीण बैंक में एफडी करवाने पहुंचा था। उसने एफडी करवाने के लिए 2000 के 50 नोट दिए। बैंक के मैनेजर कम कैशियर संजय कुमार ने जब नोट देखे तो उन्हें शक हुआ। जब उन्होंने जांच की तो सभी नोट नकली पाए गए। बैंक मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौहर मनोज वालिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने नोट भी कब्जे में ले लिए हैं और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।